महाड़ में आज रात गहमा गहमी है। आधी रात से पहले महाराष्ट्र के इस गांव के पास कुछ वॉलंटियर एक भैंस की लाश का इंतजार कर रहे हैं। ये है अगली सुबह के लिए गिद्धों का भोजन। सुबह हम यहाँ पर 3 से 4 झुंड देख चुके हैं। 40 से 80 गिद्ध आते हैं एक झुंड में। इस समय 40 से 60 गिद्ध अपना भोजन कर रहे हैं। प्रेम सागर मिस्त्री सीस्केप नाम का एक एनजीओ चलाते हैं। अपनी टीम के साथ वो इस इलाके में गिद्धों की छोटी सी आबादी का ध्यान रखते हैं। इन परिंदों को ऐसा ही खाना चाहिए। 1980 के दशक में भारत में 4 करोड़ से ज्यादा गिद्ध थे, लेकिन 1990 के दशक के मध्य में अचानक नाटकीय गिरावट आ गई। 2017 में उनकी संख्या महज 19,000 थी। इस गिरावट के लिए जिम्मेदार थी डिक्लोफिनेक। मवेशियों में सूजन के इलाज के लिए ये दवा इस्तेमाल होती है। मरी हुई गायों को खाने वाले गिद्धों के लिए ये दवा घातक साबित हुई। मवेशी के मरने के बाद भी वो दवा लाश की मांसपेशियों में बनी रहती है। गिद्ध जब उन्हें खाते हैं तो डिक्लोफिनेक उनके पेट में चली जाती है। उनके जोड़ों और पंजों में गठिया हो जाता है, पेट फूलने लगता है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, परिंदे गश खाकर गिर जाते हैं। In 2006 में सरकार ने डिक्लोफिनेक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, लेकिन दवा अब भी उपलब्ध है और इस्तेमाल में है। समस्या एक और भी है। जंगलों के कटने से गिद्धों की कुदरती रिहाइश का बड़ा नुकसान हुआ है। इससे चौतरफा असर पड़ा है, ये कहना है नाथुराम महादिक का, जो पड़ोसी गांव के सरपंच रहे हैं। जब मैं छोटा था, हमारे बड़े बुजुर्ग मवेशियों की लाश फेंक देते थे और 15-20 मिनट में गिद्ध आकर साफ कर देते थे। बड़ी मदद हो जाती थी। उस समय यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और गिद्ध उनमें घोंसले बना लेते थे, लेकिन आज तो ऐसे पेड़ बहुत ही कम बचे हैं। गिद्धों को ऊंचे लंबे पेड़ चाहिए, छोटे पेड़ों पर वे घोंसले नहीं बनाते। कुदरती जंगल के पट्टे के पट्टे काजू, आम, टीक और साल जैसे पेड़ों के लिए साफ कर दिए गए। इसके चलते किसानों और गिद्धों के बीच टकराव बढ़ गया है। नारियल की ही फसल को लीजिए, गिद्ध इन ऊंचे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं। किसान अगर उन्हें ना हटाएं तो उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ेगी, अगर हटाएं तो गिद्धों के बच्चे मर सकते हैं। ये मुर्दाखोर इकोसिस्टम के लिए बहुत अहम है। उनकी घटती संख्या का मतलब है मरे हुए जानवरों का सड़ना। वे बैक्टीरिया के ठिकाने और बीमारी का जरिया बनते हैं, इसलिए लोग अब लाशों को दफनाने लगे हैं। लेकिन इससे गिद्धों का खाना भी छिन गया है। गिद्ध साल में सिर्फ एक ही अंडा देते हैं, और अगर उससे निकला चूजा भूखा ही रहेगा तो वो अपनी अगली पीढ़ी, अपनी संतानों को कैसे पैदा करेगा। प्रेम सागर मिस्त्री और 40 स्वयंसेवियों की उनकी टीम करीब 2 दशक से महाराष्ट्र में गिद्धों पर रिसर्च कर रही है। वो मानते हैं कि इन गिद्धों की आबादी बढ़ाना बहुत जरूरी है। उन्होंने गिद्ध रेस्तरां अभियान शुरू किया है। उनकी टीम अलग अलग ठिकानों पर परिंदों के लिए खाना रख देती है। स्थानीय गांव वालों का साथ काफी काम आया है। उनकी मदद से एनजीओ को इलाके में मवेशियों की लाशों का पता चल जाता है। टीम लाश इकट्ठा करने पहुंच जाती है। उन्होंने हमें सब कुछ साफ साफ समझा दिया था। इस प्रोजेक्ट का हम पर या हमारी जमीन पर कोई गलत असर नहीं पड़ता है, तो मदद करने में हमें खुशी होती है। आखिरकार ये सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी जमीन है, और अगर प्रोजेक्ट से गिद्धों को फायदा होता है तो अच्छा है ना। बचाव केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां घायल गिद्धों और घोंसलों से गिर गए उनके बच्चों का उपचार किया जाता है। ये टीम उनका ख्याल रखती है। एक बार उनका वजन 2 किलो से ऊपर हो जाए तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। एनजीओ को दानदाताओं से आर्थिक मदद भी मिल जाती है। कुछ मदद स्कूली बच्चों के दौरों से होती है।
कुछ बच्चे तो वॉलंटियर भी बन जाते हैं, जैसे 13 साल की सारा। गिद्ध जीवन में बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास की सफाई करते हैं और वो दुर्लभ होते जा रहे हैं। 1999 में सिर्फ 20 गिद्ध इस इलाके में हुआ करते थे और अब इस टीम की कोशिशों की बदौलत उनकी संख्या 350 हो गई है। भारत सरकार ने गिद्धों को बचाने के लिए एक कार्य योजना भी बनाई है, फिर भी उन्हें पहले की संख्या तक पहुंचाने में अभी काफी साल लग जाएंगे।